हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस बार एसबीआई पीओ में प्री में कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे और उम्मीद है कि इस बार आईबीपीएस पीओ प्री में भी डेफिनेटली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में मैंने कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस लिए हैं और कंजंक्शन बेस्ड फिलर्स हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। इनको मैं पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यदि आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ई बुक्स की, वोकेबलरी की और फ्री वीडियो कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पर आप जाएं और यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो एसएससी सीजीएल के लिए एक वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर चल रहा है, 2017 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और आईबीपीएस पीओ प्री के लिए भी एक कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो उसको भी आप इस साइट पर जाके देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली इस साइट पर ही मिलेगा आपको और कहीं ये नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये सेल्डम से संबंधित क्वेश्चन है, सेल्डम और नेवर का एक कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ पर आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, और यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिया है इफ और एक दिया है और। अब देखिए, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। देखिए, यहां पर सेल्डम लिखा है और यहां पर लिखा है नेवर, ठीक है। तो सेल्डम और नेवर, यदि नेवर की फ्रीक्वेंसी देखी जाए, यदि आप बोलें कि आई आई नेवर गो देयर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी। और यदि आप बोलें कि आई सेल्डम गो देयर, तो इसकी फ्रिक्वेंसी एक होगी, क्योंकि सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। यानी नेवर का मतलब होता है 0% और सेल्डम का मतलब होता है 1%। यानी ये दोनों पास पास के वर्ड हैं, ये क्लोज रिलेशन में ये वर्ड्स हैं। तो इसलिए सेल्डम और नेवर को हमेशा और के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। या तो सेल्डम मतलब कभी कभार, बहुत कम, ना के बराबर, या फिर नेवर कभी नहीं, या तो 0% या 1%। तो इसलिए सेल्डम और नेवर को यहां पर हम जोड़ेंगे और से, और इसका आंसर होगा और। यहां पर इफ हम नहीं लगाएंगे। इफ का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताता हूं कि इफ का कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर आपका सही आंसर होगा और। अब इसमें आपको एक चीज और देखनी है कि जब भी कोई निगेटिव वर्ड या सेमी निगेटिव वर्ड, जैसे सेल्डम सेमी निगेटिव वर्ड है, या रेयरली सेमी निगेटिव वर्ड है, नेवर निगेटिव वर्ड है, नॉट निगेटिव वर्ड है, तो जब कोई भी नेगेटिव वर्ड या सेमी नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आता है, तो वहां पर इन्वर्जन का एक रूल होता है, वो लागू हो जाता है। इन्वर्जन का रूल का मतलब ये है कि नॉर्मली सब्जेक्ट पहले आता है, ये है सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपकी वर्ब। लेकिन जब नेगेटिव वर्ड पहले आता है, जैसे यहाँ पर ये सेल्डम जो है, ये नेगेटिव वर्ड पहले आया है, तो यहाँ पर हम आई हैव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम हैव आई लिखेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझना है, और एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि सेल्डम के साथ हम और लगाएंगे, क्योंकि सेल्डम और नेवर ये आपस में क्लोज वर्ड्स हैं, ठीक है। इनकी फ्रिक्वेंसी के लेवल पे ये काफी क्लोज हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा और, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे, देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि सेल्डम को हम नेवर के साथ नहीं जोड़ रहे, सेल्डम को हम एवर के साथ जोड़ रहे हैं। तो सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है कभी कभार, वैसे तो कभी नहीं, लेकिन अगर कभी कभी होता भी है तो उसका रिजल्ट ये होता है। सेल्डम इफ एवर होता है और सेल्डम और नेवर होता है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा इफ, यहां पर ये आंसर होगा आपका इफ। सेल्डम इफ एवर मतलब सेल्डम इफ एवर हैव आई हेल्प्ड यू, मतलब मैंने आपकी कभी हेल्प नहीं की है, ना के बराबर मैंने आपकी हेल्प की है। यदि कभी की भी है तो वो ना के बराबर है। सेल्डम इफ एवर का मतलब है कि यदि किसी काम को आपने किया भी है कभी, तो वो ना के बराबर किया है। सेल्डम इफ एवर ये मतलब है। तो यहां पर आएगा इफ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर इस बार पूछे गए थे एसबीआई पीओ प्री में, तो इसलिए मैं ये वीडियो क्लास आपको पूरा पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, यहां पर देखिए, ही फिनिश्ड फर्स्ट, ही बिगेन लास्ट। उसने सबसे पहले फिनिश किया, लेकिन ही बिगेन लास्ट, यानी इन दोनों सेंटेंसेस में कॉन्टेस्ट, एक कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। ही फिनिश्ड फर्स्ट, सबसे पहले उसने फिनिश किया किसी भी रेस को, और सबसे लास्ट में उसने शुरुआत की। तो यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट के लिए जो वर्ड है वो है दो। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा ये आएगा दो। ही फिनिश्ड फर्स्ट, दो ही बिगेन लास्ट। इसको हम दो को हम लास्ट लास्ट में भी लिख सकते हैं। ही फिनिश्ड फर्स्ट,
कॉमा लगा के बोलेंगे ही बिगेन लास्ट दो, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, आईबीपीएस पीओ के लिए ये कोर्स चल रहा है, इसको एक साल की वैलिडिटी के साथ आप सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शी लुक्ड एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, शी वॉज यंग। देखिए जब वो यंग थी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। व्हाइल हम लगाते हैं ड्यूरेशन के लिए, व्हेन हम लगाते हैं फिक्स पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा व्हेन, ठीक है। व्हाइल के और भी कई फंक्शन हैं, जैसे दो छोटे छोटे जब एक्शन होते हैं उसके लिए भी हम व्हाइल लगाते हैं, या कोई काम लगातार चल रहा है, कोई काम लगातार चल रहा है, जैसे आई वॉज डांसिंग व्हाइल ही वॉज सिंगिंग, दो काम लगातार चल रहे हैं, तो चलता हुआ जो काम होता है उसके ड्यूरेशन को हम व्हाइल से दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोई काम तो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यहाँ पर हम व्हेन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यू आर एन ऑप्टिमिस्ट, योर सिस्टर इज अ पेसिमिस्ट। देखिए ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, ये दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं, तो अपोजिट वर्ड यानी कॉन्ट्रास्ट एक क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर हम बट को लगाएंगे, यहाँ पर हम बट आपका सही आंसर होगा। कभी कभी ये सिंपल क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे तरीके से सीखना होगा। अब ये देखिए, यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। कैरी आउट का मतलब है किसी चीज़ को ओबे करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, कैरी आउट, ठीक है। तो यू लाइक इट और नॉट, देखिए ये जो यहां पर और दिया है, ये जो और है ये जुड़ता है वेदर के साथ, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू कैरी आउट माई ऑर्डर, तुम्हें चाहे पसंद हो या नहीं हो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये एक्चुअली एक इडियम टाइप का भी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, और इसका मतलब होता है राजी नहीं तो गैर राजी, राजी या गैर राजी, मतलब आपको इस बात को मानना पड़ेगा, ये एक इडियम भी है, और वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस जो होगा वो आएगा इसमें वेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कार क्रैश्ड, द ड्राइवर वॉज केयरलेस। कार क्रैश हुई, कार क्रैश हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसका रीज़न क्या था? ड्राइवर वॉज केयरलेस, इसका रीज़न हम यहाँ पर बता रहे हैं, और रीज़न को हम इंडिकेट किससे करते हैं? रीज़न को इंडिकेट करते हैं हम बिकॉज से, अनलेस से नहीं, अनलेस से हम कंडीशन बताते हैं। द कार क्रैश्ड बिकॉज द ड्राइवर वॉज केयरलेस, ड्राइवर लापरवाह था। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। गॉड इज विद यू, यू नेवर नॉट फियर, यू नीड नॉट फियर, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है, कब तक? जब तक गॉड आपके साथ है। तो यहां पर ये काफी क्लोज है, एज सून एज का मतलब तो होगा जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से जल्दी का तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई यहां पर मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो यहां पर हम लगाएंगे एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज भी कंडीशन के लिए यही आता है, और इसका मतलब होगा जब तक, एज लॉन्ग एज गॉड इज विद यू, जब तक भगवान आपके साथ है आपको डरने की जरूरत नहीं है, और भगवान आपके साथ जो है वो हमेशा है, तो यहां पर हम लगाएंगे एज लॉन्ग एज गॉड इज विद यू, यू नीड नॉट फियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट रेन्स द मैच विल बी कैंसिल्ड। अब देखिए यहां पर व्हेन भी दिया है, इफ भी दिया है, तो यहां पर हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि यदि बारिश होती है तो मैच कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इफ। व्हेन हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम की तो इसमें बात नहीं हो रही है, इसमें तो कंडीशन की बात हो रही है कि यदि बारिश होती है तो मैच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ही कुडंट कैच द ट्रेन, He ran fast. यानी ये कंडीशन का एक सेंटेंस है लेकिन पास्ट में इसको दिया है। He couldn't catch the train. वो ट्रेन को कैच नहीं कर सकता था, वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाता यदि वो तेज नहीं भागता। तो यहाँ पर चूंकि कंडीशन है और कंडीशन के लिए हम unless लगाएंगे, unless को यदि आप if के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो unless का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है if not. तो यदि आप if not भी आप यहाँ पर आप लगाएंगे तो इसका इसका आंसर सही निकलेगा। ही कुड नॉट कैच द ट्रेन,
वो ट्रेन ट्रेन को कैच नहीं कर सकता था इफ इफ ही डिड नॉट रन फास्ट, इफ ही डिड नॉट रन फास्ट। तो इफ और नॉट भी आप लगाते हैं यहां पर, ठीक है, तो वो भी सेंटेंस सही होगा और अनलेस से भी ये सेंटेंस सही होगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, मैंने केवल 10 ही सेंटेंस लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इस साइट को आप जरूर विजिट करें, यहाँ पर मैं काफ़ी फ्री कंटेंट डाल रहा हूँ, तो इस साइट पर आप जरूर जाएं englishiq.in, और यहाँ पर आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और 2 फ्री कोर्सेज भी चल रहे हैं, उनको भी आप यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।